Sarabi, kurang yang kau tesis dah, orang apa yang aktor bi hai sampai ane kata untuk sekarang, bukan kis tarike ingin kelia. Actually, जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं by profession actor हूँ और music composer हूँ और rising producer हूँ. तो क्योंकि मैं artist हूँ, तो वो artist के लिहाज से भी मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ. और इसके साथ साथ जैसे मुझे जो लगता है कि हमारी जो पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स और एक जो आम पब्लिक है, उसके बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है जो कि इंडिया लेवल पे है और हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा वो सोशल टैलेंट इवेंट होगा, और जिसको जो एक सिटी से स्टार्ट होगा, सिटी टू स्टेट, स्टेट टू ऑल ओवर इंडिया, वो कंप्लीट करते हुए उसका जो ग्रैंड फिनाले है वो बॉलीवुड के मेगा स्टार्स के साथ में और मेगा स्टार एंकर्स के साथ में दुबई में होगा. और इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, 18 अगस्त से इसके ऑडिशन स्टार्ट हो जाएंगे और 1 जुलाई से इसकी जो एंट्रीज वगैरह हैं जो टैलेंट की वो स्टार्ट हो जाएगी. और हमारी कोशिश है कि इस इवेंट के थ्रू, इसमें एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसलिए डाला हुआ ताकि जो भी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप हमारी बात को आसानी से समझेंगे, क्योंकि हम अगर सिर्फ आपको इकट्ठा करके सिर्फ प्रवचन देना शुरू कर देंगे तो लोग बोर होने लगेंगे. तो अभी लोग जैसे बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सीरियस नोट पे किसी से बात करते हो तो वो आपको बेवकूफ़ समझ के आगे बढ़ा देते हैं. इसलिए अगर आप सीरियस नोट पे किसी से बात कर रहे हो तो आपको कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर अपनी बात को आप वैसे प्रेजेंट कर रहे हो जैसे वो सुनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग तक वो बात पहुँचती है. तो इसलिए मैंने ये इवेंट डिज़ाइन किया हुआ है. मैं इस बात जो है, जैसे आपने बताया कि पुलिस और जो लोगों का आपसी जो तालमेल है, क्या एक मुहिम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि परेशान हो जाते हैं आम जनता, तो क्या एक आप लेके मन में चल रहा है आपकी, तो आखिर ये ख्याल कहाँ से आया कि आप उस पर बात की जाए? जैसे कि पुलिस का जैसे ही नाम आता है, जो पब्लिक का रिएक्शन होता है वो ज़्यादातर नंबर्स जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं. तो लेकिन अगर आप जॉब की बात करो, जॉब प्रोफाइल की बात करो पुलिस की, तो वो ईजी टास्क नहीं है. एक किसी घर का बाहर से जो है सुरक्षा करना और एक घर के अंदर जहाँ पे क्राउड है उसको मैनेज करना, वो आसान बात नहीं है. तो उनका जॉब प्रोफाइल तो इजी नहीं है जो उनका टास्क है, लेकिन वो उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो पुलिस के साथ बहुत अच्छा रहा है हमेशा से, अभी वो दूसरों के साथ क्यों नहीं होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और हो सकता है दोनों साइड से कुछ कमियाँ हों, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको दूर नहीं किया जा सकता. और मुझे लगता है कि अगर ये कम्युनिकेशन बैठ जाए, इन दोनों के बीच के जो दूरी है वो गैप हो, तो कुछ ना कुछ इसमें क्राइम रेट में थोड़ा बहुत सही बट असर आएगा, रेट कम होगा. इस इवेंट सर कैसे अवेयर करेंगे आप लोगों, जैसे इस इवेंट के थ्रू, जैसे कि जैसे मैंने बोला इवेंट का नाम ही है रेस्पेक्ट खाकी जुबा दिल की, तो इस इवेंट के थ्रू मैंने इंटरटेनमेंट के जो मैंने जो फेवर रखा है वो पब्लिक हमारी होगी 10,000+ हर इवेंट में, हमारे पूरे स्टेट के रेस्पेक्टेड आई एस पीसेस और ब्यूरोक्रेट्स होगा उसमें. तो वहाँ पर हमने लाइव एक्ट रखे हुए, अनटोल्ड स्टोरी बिहाइंड द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस, और उसके बाद में हमारे मोटिवेशनल स्पीचेस होंगे, ग्रूमिंग स्पीचेस होंगे, और जो भी सोशल कॉज के दौरान इन सब चीज़ों को हम अभी R&D हमारी चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आम पब्लिक की और पुलिस की, तो उस पर हम रिसर्च करके उसके ऊपर वर्कआउट करके वो सारा आपको फ्लेवर उस दिन वहाँ पर मिलेगा. कानपुर की अगर बात करी जाए तो कानपुर में ये इवेंट कब होना है और इसमें कौन कौन रहेगा शामिल? इससे कानपुर की बात कर दी, स्टेट टू स्टेट स्टार्ट हुआ है. तो अगर इसका ऑडिशन की बात करें तो 18 तारीख से 18th of August से उसके ऑडिशन स्टार्ट होंगे गाजियाबाद से, और वो बेल्ट चलते हुए कानपुर आएगी, मेरे ख्याल से सितंबर लास्ट हो जाएगा. और हर इवेंट में हमारे जो भी शहर होगा, शहर के रेस्पेक्टेड DM सर और SSP सर वगैरह होंगे, उसके साथ में बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जज होंगे, और इसका जो हर स्टेट का अलग अलग उसके कैपिटल में सेमीफाइनल होगा, जैसे UP के लखनऊ में सेमीफाइनल होगा, और इसका जो फिनाले है वो गाजियाबाद में 3rd of November को होगा. ये सोच कैसे आ गई, क्या बोलते हो, ये सोच कैसे आ गई? खाली दिमाग शैतान का, लेकिन हमारा शैतान नहीं चलता. तो सोच तो बचपन से थी, और क्योंकि बचपन से ही मैं थोड़ा सा एक्टिव रहा हूँ सोशल वर्क वगैरह में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ और कहीं ना कहीं बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं. हम 100 रुपये का हेलमेट नहीं लगा सकते, बट चलेंगे हम बिल्कुल शाहरुख खान बन गए, और गाड़ी वगैरह रोक ली जाती तो हम ही निकाल के पैसा दे देते हैं. वो तो हमसे गाड़ी जब रोकता है अभी कोई भी ऑफिसर, तो वो आपसे ये नहीं बोलता ना 100 रुपये दिखाओ, वो सीधे आपसे DL पूछता है, आपके पेपर पूछता है, लेकिन आप क्या निकालते हो, गांधी जी. तो गलती आपकी है, तो आप जब बिगाड़ोगे नहीं तो वो बिगड़ेंगे नहीं, और सब बिगड़े नहीं हैं. तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि जितना वो डिज़र्व करते हैं तो शायद उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी उतना नहीं सपोर्ट मिल पा रहा है. तो उसके लिए भी मेरा कुछ प्लान चल रहा है, वर्कआउट चल रहा है, तो हो सकेगा तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स वगैरह के लिए, डिपार्टमेंट के लिए मैं अलग से भी कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, ताकि उनका फाइनेंशियली कंडीशन भी थोड़ा सा और उनका सुधर सके. अगर बात करी जाए कि आप मुंबई की और आप कानपुर के रहने वाले, तो कैसे आप वहाँ पहुँचे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए.
मैं तो सर फ्लाइट से पहुंचा। जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई, मैं बचपन से ही मुझे गाने का और जो है एक्टिंग का शौक था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर था मुझे, या तो साइंटिस्ट बनना है या तो एक्टर बनना है। तो साइंटिस्ट थोड़ा मुश्किल था, फिर मैं सोचा एक्टर बनूँ तो सारे कैरेक्टर आसानी से जी लूँगा। तो मेरा स्टार्ट हुआ, फिर मैंने इसको थिएटर मॉडलिंग बेबी मॉडलिंग वगैरह से, जूनियर मॉडलिंग से स्टार्ट हुआ मेरा। फिर उसके बाद में मैंने थिएटर स्टार्ट किया, थिएटर के बाद से फिर मैंने ऑल ओवर इंडिया शोज़ किए। उसके बाद में फिर मैं 2012 में यहाँ से मूव किया, वहाँ पहुँच के धीरे धीरे काम मिलता चला गया। बात कीजिए कि फिल्मों की अभी तक कितनी फिल्में आपकी भी अच्छी, और आने वाला क्या चल रहा है? चलने की बात तो अभी मेरा शूट चल रहा है लखनऊ जगदीशपुर में, रेड फ्रॉक, और इंटरनेशनल फिल्म है वो। और इसके अलावा एक फिल्म मेरा भी लास्ट ईयर 2018 में 10th ऑफ अगस्त को रिलीज़ हुआ है, एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर, एज अ म्यूजिक कंपोजर, हिलव्यू विला। एक मेरी सितंबर में रिलीज़ हो रही है एज अ प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर, मुंगेरी लाल बीटे। एक अभी जस्ट कंप्लीट हुई है जिसको ये रोज़ रिलीज़ करने वाली है। और ये जितने भी मैं इवेंट ये कर रहा हूँ स्टेट टू स्टेट, तो हर स्टेट में मेरी एक फिल्म होगी जिसमें हमारे विनर्स को उसी टाइम पर काम दिया जाएगा। मतलब हम जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो भी हमारा टैलेंट है, जो हम कोनों कोनों से ऑल आउट की तरह ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, तो उनको हम डे वन से ही उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आर्ट का भी मिसयूज़ करते हैं लोग कमर्शियली, ये शोज़ वगैरह डिज़ाइन करके उसका कमर्शियली भी मिसयूज़ कर लेते हैं टैलेंट का, तो उसको भी थोड़ा सा मैं झाड़ू लेकर उतरा हूँ। फाइनल फिनाले कहाँ पे होना है और उसमें कौन कौन लोग शिरकत कर सकते हैं? शिरकत तो कोई भी कर सकता है, मैं तो किसी को नहीं मना किया हूँ सर। आपकी तरफ और मेरी तरफ से तो जितने भी हमारे स्टेट के विनर होंगे वो सारे फाइनल ग्रैंड फिनाले में होंगे। आपका दुबई में जो कि होगा, बॉलीवुड के मेगा स्टार होंगे, और हो सकता है मेगा स्टार, मेगा स्टार में आपका शाहरुख खान जी भी हो सकते हैं, सलमान खान सर भी हो सकते हैं, और आमिर सर भी हो सकते हैं। और अभी जो स्टेट हो रहे हैं, स्टेट के फिनाले होंगे, उसमें मैं रहूँगा, परवेज काजी रहेंगे, और उसके साथ में स्टेट के हिसाब से जो वहाँ की डिमांड है तो वहाँ पे सेलिब्रिटी चेंज होते रहेंगे। जैसे अभी इसमें सपना चौधरी जी हो सकती हैं या कविता कौशिक जी हो सकती हैं, ऐसे चेंज होता रहेगा।